हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दिपेन फ्रॉम पुणे। आज हमारे पास है मीटियोर 350 एंड इसका हम रिप्लेस करेंगे फ्रंट ब्रेक का पैड्स। सो आई हैव ऑलरेडी लूजेंड द कैलिपर बोल्ट्स। इसको जस्ट निकाल दूंगा बाहर एंड वी ऑलरेडी हैव द न्यू पैड्स। रॉयल इनफील्ड ओरिजिनल लिए हैं 250 बक्स का। दिस इज द पार्ट नंबर। सो विल रिमूव एवरीथिंग फर्स्ट, clean the brake pads, clean the caliper and then install the new pads. Caliper is out और अभी ये caliper की pin निकालनी है जो कि इधर बैठी है। ये pin निकाल दो, pin lock and then your caliper should come out. The pin should come out from other side. So these are the old brake pads जो निकले हैं and ये नए वाले जो आरी के लिए हैं। Biber है दोनों भी, old and new. Okay. Part number if you guys again want, तो ये उसका part number and cost. दूसरा, I have removed the floating caliper के सब parts भी separate कर लिए। We'll grease this up. ये pin और ये pin हम अभी ग्रीस करेंगे एंड उसको लगा देंगे। कैस्ट्रॉल का ग्रीस यहाँ पे पड़ा हुआ है, वही यूज़ कर रहे हैं हम। ये ग्रीस क्यों करना चाहिए? सो दैट योर जो ये आपका पिन है, कैलिपर पिन, इट मूव्स इन एंड आउट वेरी इजीली एंड देयर इज इक्वल वेयर एंड टेयर एंड प्रेशर ऑन बोथ दी ब्रेक पैड्स। नहीं तो होता क्या है, कोई भी एक ही ब्रेक पैड वेयर ऑफ होता है। अब इस केस में क्या होगा, जब आप ग्रीस कर लोगे इसको तो इट विल स्टार्ट वेयरिंग ऑफ यू नो इक्वली फ्रॉम बोथ द साइड्स। थोड़ा सा इसमें भी डाल देंगे एंड थोड़ा सा ये ग्रीस में इसमें भी डाल देता हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द कैलिपर इन प्लेस फर्स्ट। ये काफ़ी स्मूथ हो गया, जब मैंने निकाला तो काफ़ी हार्ड था ये, क्योंकि इट वॉज कम्प्लीटली ड्राई। देन योर न्यू पैड्स, इसको कुछ घिसने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर ब्रांड न्यू। ओप्स, ये गिर रहा है बार बार लेफ्ट साइड का, राइट साइड का। कैलिपर पिन डाल देते हैं अंदर, ये वाली लॉक जो थी विच विल होल्ड दी द ब्रेक पैड्स आर इन प्लेस। और मैंने ये वाले ब्रेक पैड को अंदर पुश करके पिस्टन्स को पीछे भी भेज दिया है। अब इसको स्लाइड करना है डिस्क के ऊपर और फिर ये दो बोल्ट्स लगा देंगे। ये दोनों बोल्ट्स लगने के बाद फिर हम एबीएस का जो सेंसर है जो मैंने निकाल के रखा है, ये मैंने जानबूझ के निकाल के रखा है बिकॉज़ ये कभी स्नैप हो गया, कुछ हो गया तो टूट जाता है। तो अभी ये स्लाइड करेंगे ऊपर एंड उसके बाद बोल्ट लगाएंगे। Now fixing the bolts in its place और इसको tight कर देंगे। So सब कुछ बिठा दिया, tight कर दिया है। Karan is now going for a test ride। चलाने के आने के बाद कुछ अगर major feedback है तो फिर से खोलेंगे, otherwise ये जो brake अभी pads बिठाए हैं टू ब्लेंड इन विद दिस वोन आउट डिस्क, क्योंकि डिस्क पे वो मेटल टच हो गया था एक साइड पे, तो वो ब्रेक पैड्स मैच होने को काफ़ी टाइम लगेगा। इट विल बी लाइक 50 to 100 किलोमीटर्स टू मैच सिट इन टुगेदर एंड देन आफ्टर दैट यू विल रिसीव अ गुड ब्रेक बाइट। तब तक आपको ब्रेक बाइट मिलेगा नहीं। और कभी भी नए ब्रेक पैड्स डालने के बाद बाइक भगाना मत, हमेशा प्यार से स्लो स्पीड पे पहले ब्रेक्स चेक करना बार बार। Checking the bike if the brakes have
ऑल दी इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा एक मेन रोड पे जाने के पहले ब्रेकिंग वगैरह, यस थोड़ा तो बाइट आ रहा है। ये बाइट और इम्प्रूव होते जाएगा एज नो रनिंग ज़्यादा होते जाएगी, ऑटोमेटिकली फेस टू फेस अच्छे से बैठ जाएगा एंड देन ब्रेक पैड्स एंड डिस्क ना अच्छे से फेस टू फेस बैठ जाएंगे ना, उसके बाद मस्त बाइट मिलेगा वापस। ये मारा मैंने फिर से ब्रेक, डर डर के मार रहा हूँ बिकॉज ऑफ रोड भी है, बट इट्स वर्किंग, व्हील लॉक हो रहा है। एनीवेज आई एंड दी व्लॉग हियर, लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। Secrets go, 'cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified.